सो ये है नया जियो फोन जिसके बारे में बहुत चर्चा थी। 1500 रुपीज़ का है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है बाहर से, तो अंदर से देखते हैं इसको कैसा है। तो ये जियो फोन है, इसके साथ साथ आपको एक चार्जर दिया गया है। ये नया चार्जर है और ये है जियो फोन। ये चालू करने पे कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी अच्छा लुक है। देखेंगे कीपैड यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, एक वॉइस रिकॉग्नाइजर दिया है यहाँ पर, और बैक से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट लुक भी काफ़ी स्टाइलिश है। स्क्रीन थोड़ी बड़ी है, चौड़ी है, बट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा जो लोग टच पैड चलाते हैं उनके लिए। बाकी तो फ़ोन में काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। इसको ऑन करते हैं, ये चालू हो गया फ़ोन। इसके पीछे अगर देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ है कि इस पर HD वॉइस कॉल है और वीडियो कॉल है। इसके अलावा ये 4G फ़ोन है जैसा कि आपको पता है, प्लस इसकी जो स्क्रीन है वो 2.4 की है, 2.4 की, 2000 mAh की बैटरी है जो ठीक ही ठाक है। बट मैंने यूज़ किया था तो मुझे थोड़ा सा लगा कि फ़ोन की बैटरी बैकअप उतनी खास नहीं है। 2 मेगापिक्सल का कैमरा जैसे बैक का मैंने बताया, एक सेल्फी कैमरा भी है यहाँ पर, और इसमें FM रेडियो भी है। इसमें वाईफाई कनेक्टिविटी है बट इसमें हॉटस्पॉट ऑन नहीं होता, जो कि मेरे ख्याल से इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बट ये ज़रूरी भी है, नहीं तो JioFi कैसे बिकेगा। इसके अलावा इस पे GPS है, ब्लूटूथ डिवाइस है, प्लस इंडियन बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। आप फ़ोन को अपने वॉइस कमांड के द्वारा ऑपरेट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें 512 MB की रैम है, 4 GB की मेमोरी है इंटरनल इसकी। इसके अलावा इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं 128 GB तक, और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें वॉइस रिकॉग्नाइजर लगा है। इसके अलावा इसमें गूगल प्ले स्टोर नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से आम एंड्रॉयड फ़ोन में होता है। इसके जगह पर इसमें जियो स्टोर दिया हुआ है। इसके बारे में इतना है। एक ख़ास बात इस फ़ोन की ये है कि इसको डायरेक्टली आप अपने केबल से TV पर कनेक्ट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप JioTV देख सकते हो आराम से। इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ चैनल्स हैं, आप जैसा कि आपने देखा होगा। इसके अलावा इसका कैमरा देखेंगे तो कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जैसे यही फोकस इसका देखिए आप, ये फ़ोटो इतनी क्लियर आ रही है इससे। तो इसका फ्रंट बैक कैमरा काफ़ी अच्छा है। अगर इसका फ्रंट चालू करें तो यहाँ से ऑप्शन में जाके फ्रंट कैमरा चालू करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी सेल्फी कैमरा है, और मेरे ख्याल से 1500 रुपये के फ़ोन के हिसाब से काफ़ी अच्छा इसमें कैमरे का ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा चीज़, इसमें मैसेजेस करने के लिए आपके वॉइस कमांड की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें कॉल लोगो है, आप कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं। ऐप स्टोर है और म्यूज़िक है, म्यूज़िक जियो म्यूज़िक से ऑपरेट होगा, इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। ब्राउज़र दिया हुआ है, एक FM रेडियो, वीडियो स्टोर करने के फीचर्स दिए हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वॉइस रिकॉग्नाइजर के बारे में इसमें लिखा हुआ है क्लियरली। इसके सेटिंग में जाएंगे तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे एयरप्लेन मोड दिया हुआ है, मोबाइल डाटा का ऑप्शन, वाईफाई है इसमें बट हॉटस्पॉट नहीं है, सॉरी। ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ से आप वीडियो शेयर कर सकते हो, पिक्चर्स ले सकते हो। बाकी इसमें GPS वगैरह की सुविधा है। इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगा कि ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है 1500 रुपये के हिसाब से, जो कि रिफंडेबल है 3 ईयर्स के बाद। इसका बड़ा USP है ये। उसके अलावा स्क्रीन लॉक वगैरह, बाकी सब जितनी भी सुविधाएं आम फ़ोन में होती है वो सब इस पे मौजूद है। प्लस 153 रुपये का रिचार्ज है इसमें, और इसे ईज़िली यूज़ किया जा सकता है। जो जिन्होंने टच पैच कभी चलाया नहीं है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। बाकी बैटरी बैकअप थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस पे, जो फ़ोन का थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेकिन फिर भी अगर 1500 रुपये के हिसाब से देखेंगे, और अगर जिसको नॉर्मल बेसिक फ़ीचर चाहिए तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। मैं रिकमेंड करूँगा कि ये फ़ोन आप लोग लें, और ये जियो स्टोर में उपलब्ध था, और मेरे ख्याल से मुझे रायपुर में सबसे पहले ये फ़ोन मिला है। मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो,
एंड प्लीज़ गो सब्सक्राइब माई चैनल एंड एन्जॉय मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। सो इन फ्यूचर हम लोग आप जब भी मिलेंगे तब आप इसी तरह के वीडियोज़ देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोज़ भी हैं, उन्हें भी देखें और सब्सक्राइब चैनल इसको प्लीज़। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Dio, 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 dio